कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। देहरादून के आईएसबीटी परिसर में नाबालिग बच्ची के साथ बस चालक सहित 6 लोगों ने गैंगरेप किया। जब किशोरी बदहवास हो गई तो उसे बस स्टैंड के बाहर गेट पर छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। घटना देहरादून के आईएसबीटी बस स्टैंड परिसर की है। जानकारी के मुताबिक बस चालक को बच्ची दिल्ली बस स्टैंड पर मिली थी, जो पंजाब जाने की बात कह रही थी। बच्ची को पंजाब पहुंचाने का झांसा देकर ड्राइवर और परिचालक उसे अपने साथ देहरादून ले आए। वहीं आईएसबीटी बस स्टैंड पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने जब बच्ची को इस हालत में देखा तो इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी, जिन्होंने बच्ची को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी के सुपुर्द किया। लगातार सीडब्ल्यूसी में बच्ची की काउंसलिंग की गई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। सीडब्ल्यूसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आईएसबीटी के तमाम सीसीटीवी खंगाल आरोपियों की पहचान कर 6 में से 5 को हिरासत में ले लिया है। वहीं जिस बस में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस ने उस बस को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। इस घटना ने आईएसबीटी की सुरक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। गार्ड द्वारा बताया गया, यहाँ पे एक अकेले बालिका बैठी हुई, तो उन्होंने हमको बुला के, हमारी टीम वहाँ पहुँच के उस बालिका को यहाँ पे बिठा के, मैं अपने ऑफिस के आगे बिठा के, तो उससे पूछा तो उसने बोला मैं ऐसे ऐसे दिल्ली से आई हूँ। अब रात का समय था तो सर हमने उसका जीडी करवा के उसको बालिका निकेतन में रखवा दिया। तो बालिका निकेतन में आगे का प्रोसेस तो फिर वहीं से शुरू होगा। बस एक नर्स के साथ, क्योंकि वो काम करके अकेली बस घर जा रही थी और किसी ने उसको देखा, हवस का शिकार बनाया और फिर राज दबाने की दृष्टि से उसका गला घोट के झाड़ियों में फेंक दिया। ये बच्ची बस में देहरादून पहुंची और क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, पहले ही समाज के द्वारा उपेक्षित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे में उसकी इस हालात में उसको देखकर उस पे दया या उसकी मदद के लिए आगे आने की जगह ये कर्मचारी अपने और साथियों को बुला लाया और फिर सबने मिलके उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा करा जो नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।